अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़े पापा कुछ तो छुपा रहे हैं मां। आपने देखा शादी की बात होती है उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था। देखो तो हम अपनी बिटिया के लिए का का लाए हैं। अच्छा अच्छा तुम्हारी पसंद का केक और मिठाई भी लाए हैं। हमें नहीं खाना कोई केक भी। सारा परिवार ऊपर है, पार्टी चल रही है, म्यूजिक भी बज रहा है, बस सुनैना कहीं नहीं जा सकती। ओहो सच कहते हैं, का ही कहें अब। वहाँ ऊपर पंकजा केक काट के ना हमें खिलाए रही और हमने मना कर दिया। बिचारी का तो मुंह ही उतर गया, अब यहाँ तुम्हें खिला रहे हैं और तुम मना कर रही हो। सही कहते हैं सब, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है चले ही जाते हैं फिर, हम का ही करेंगे यहाँ बैठकर। क्यों माँ आपने क्यों नहीं खाया पंकजा के हाथ से केक? लो कैसे खाते भला बताओ। जब तक हमारी बाबू नहीं खाएगी तब तक माँ खा सकती है क्या? हम खाएं? अच्छा ठीक है। ऐसे सुनैना का गुस्सा ना कम नहीं हुआ है। वो तो माँ ने केक नहीं खाया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने हाथों से खिला दिया, पर मैं अभी भी गुस्सा ही हूँ। तब तो सुनैना को भी अपनी माँ के हाथ से केक खाना पड़ेगा ना, है ना? माँ ने खाया है तो सुनैना को भी खाना पड़ेगा। चल मुखल 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 आ आकर 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 आ आ आ आ आ आ जेबाद मेरी प्यारी बिटिया। सुनैना हम जानते हैं तू बाहर जाना चाहती है, पर बिटिया अपनी माँ को ना माफ कर दे बेटा। हम बहुत ही मजबूर हैं सुनैना, हमारा भी दिल करता है कि हम तुझे बाहर ले जाएं, दुनिया दिखाएं, सबसे मिलाएं, पर बिटिया अगर तुझे बाहर ले गए ना तो बहुत बुरा होगा, सच बहुत बुरा होगा। इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं ना सिर्फ तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। सच इधर आ मेरे पास, मेरी प्यारी बिटिया। क्या बात है, जब से राजकुमारी की शादी की बात करके गई हैं आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हमारी परेशानी का कारण
बहुत अच्छे से बूझती हैं आप। ये है हमारी परेशानी का कारण, हमारी कुंडली का दोष। ये जो लाल दरवाजा है आपका, जहां से आप आ रही हैं, अच्छा 21 साल तक तो नहीं परेशान किया ये लाल दरवाजा आपको, आज अचानक से कहो क्या? कुमुद, शादी का मतलब होता है भीड़, और वो भीड़ में, उस सारा भीड़ में अगर एक आदमी भी ये लाल दरवाजे का सच जान गया तो इतना सालों में जो हम नाम कमाए हैं खानदान के लिए, जो इज्जत कमाए हैं, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। दो ही दिन का वक्त मांगे हैं कुमुद, हम कह रहे हैं उसको खत्म कर देते हैं, वो मनहूस का जाने का वक्त आ गया। सोचना भी मत, काहे कि ये होने नहीं देंगे हम। आप जानते हैं, हमारा बात सुनो, हम ये होने नहीं देंगे ना। कुमुद, हमारा बात सुनो, 21 साल पहले आपके प्रेम ने हमको रोक लिया था, और आज भी वही कहानी है, आपका प्रेम हमको रोक रहा है। काहे कि हम आपको खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बार कुमुद, एक बार हमारे स्थान पर खुद को रख के सोचिए। क्यों सोचे? क्या सोचे कि एक बाप अपनी बेटी को मारने पे उतारू है? और क्या सोचे कि एक बाप अपनी बेटी का नाम तक जानने का कोशिश नहीं करता? अरे नहीं जानना हमको उसका नाम, नाम नाम नहीं जानना उसका नाम। वो कलंक है हमारे खानदान के ऊपर, और जॉन कलंक को हमको मिटाना है, खत्म करना है। उसका नाम जान के क्या करेंगे? नहीं जानना उसका नाम। बाबू साहेब, एक बात तो गांठ बांध लीजिए, हमारी बिटिया को मारने से पहले ना आपको हमको मारना होगा। जीते जी तो हम ऊपर कोनो आंच आने देंगे नहीं। सोच लीजिए क्या करना है आपको। बहुत अच्छे, बड़ी माँ हम के अनटचेबल हैं, मतलब अछूत हैं क्या? दी क्या बोली जा रही है, छोड़ना, जस्ट लीव इट। अरे नहीं, बचपन से देख रहे हैं, नाश्ता लंच डिनर दूध चाय जूस सब लेकर आप अपने कमरे में चली जाती है, हमारे साथ तो कभी नहीं बैठती। ज्यादा जापान चलने लगी है पंकजा तुम्हारी, शादी तय होने वाली है ना, खुराफाती बंद करके घर के कामकाज सीखने में ध्यान लगाओ, समझी? एक और बात, हम में और हमरा कमरे में जितना कम दिलचस्पी दिखाओगी उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए।
ये सब कहाँ सिखा रही हो तुम? कहाँ सिखा रहे हैं हम? अरे जो देख रहे भाई तो फील करेंगी ना। आप ही बताइए कब भाभी एक बार भी हमारे साथ बैठकर प्रेम का एक रोटी भी तोड़ी है? न जाने कौन पास का घमंड है इनको। घमंड नहीं माँ, कोई राज है जो इस घर से विदा होने से पहले हम खोल कर जाएंगे। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। शाम 6 बजे दंगल प्ले ऐप पर।